आज 9 दिसंबर, 9 दिसंबर से भी विशेष शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एज है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले एनपीएस, एनपीएस के लिए 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदी अशासकीय शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण आवंटन कटौती के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। ये 6 दिसंबर का आदेश है। समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारी और वित्त लेखा अधिकारी के लिए ये वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने लिखा है। तो यहाँ पर साफ किया गया है कि ऐसे जनपद जहाँ पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है का विवरण उपलब्ध कराएं। एनपीएस से आच्छादित शिक्षक कर्मचारियों की सेवा निरपत्ति के उपरांत जारी क्लेम आईडी के निस्तारण की स्थिति बताएं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी संबंध में प्रत्येक जिले के लगभग आदेश निकाले जा रहे हैं जहाँ की विकास खंड स्तर पर इसके कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिनके एनपीएस नहीं बने, प्राण आवंटन नहीं हुए, उनके प्राण आवंटन किए जा रहे हैं और कटौती के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर दूसरी न्यूज है परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के एक दिवसीय भ्रमण के संबंध में, और ये एक दिवसीय भ्रमण के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें साफ है और इसके लिए धनराशि भी जारी की गई। प्रति जनपद 200 अध्ययनरत बच्चों का चयन कर उन्हें बसों के माध्यम से जनपद अथवा निकटतम जनपद स्थल ऐतिहासिक स्मारक का एक दिवसीय भ्रमण कराया जाए। भ्रमण के दौरान बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु प्रति 20 बच्चों पर एक शिक्षक अर्थात कुल 10 शिक्षक की ड्यूटी संपूर्ण भ्रमण हेतु निर्धारित की जाए। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में ही सुरक्षित अध्ययन यात्रा सुनिश्चित की जाए। उक्त भ्रमण दिनांक 6 दिसंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 के मध्य कराया जाए। ये आदेश निर्देश जारी किया गया है। भ्रमण हेतु वित्तीय व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए प्रति जनपद अधिकतम 75,000 रुपये की व्यय सीमा रखी गई है। नाश्ता भोजन आदि हेतु प्रति छात्र छात्रा के लिए 100 रुपये की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान प्रति जनपद धनराशि 5,000 रुपये कंटीजेंसी व्यय सीमा हेतु निर्धारित की गई है। और इसमें जो भ्रमण अध्ययन यात्रा के अच्छे फोटोग्राफ और 2 से 3 मुख्य अंशों के छोटे छोटे वीडियो डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स अवश्य उपलब्ध कराए जाएँ और भ्रमण की एक विस्तृत रिपोर्ट फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप्स के लिंक सहित सामुदायिक सहभागिता यूनिट के ईमेल पर 20 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध कराया जाए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो दीक्षा ऐप पर सभी प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने पर रोकेगा वेतन। ये अमेठी जिले का आदेश है। तो यहाँ पर साफ किया गया है कि 1 से 5 तक के सभी प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सभी दीक्षा कोर्सेज पूर्ण करने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया। 1 दिसंबर से 1 से 5 तक के सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सभी दीक्षा कोर्सेज पूर्ण करना अनिवार्य है। सभी शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से अब तक अपलोड किए गए सभी दीक्षा कोर्सेज और आगे दिए जाने वाले कोर्सेज को दिनांक 18 दिसंबर तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुसरण किया जाए और उक्त प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः 18 दिसंबर तक प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले शिक्षकों का वेतन भी अवरुद्ध किया जा सकता है और कठोर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा ये आदेश निकाला गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेट परीक्षा जो बच्चों की होनी है, यानी कि निपोड असेसमेंट टेस्ट, उसके लिए यूनिक आईडी के लिए प्रपत्र हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसी आधार पर आप फॉर्मेट को तैयार कर लीजिएगा। विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ष और उसके बाद में है विद्यालय का यूडा स्कोर। इसके बाद में क्रम संख्या है, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम और यहाँ पर यूनिक आईडी, मोबाइल नंबर और प्रवेश अंक जो बीच में दिया गया है वो प्रवेश अंक है। तो ये पॉइंट सभी नोट करने वाले हैं।